brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकसभा चुनावों के नतीजों का सभी इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले अनुमान आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि फलौदी सट्टा बाजार ने अपना अनुमान जारी किया है और उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या कह रहा है फलौदी का सट्टा बाजार, आपको विस्तार से हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुके हैं। 4 जून का सभी को इंतजार है जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। अगर 2019 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी के पास 28 सीटें हैं 29 में से, जबकि एक सीट है कांग्रेस के पास जो है छिंदवाड़ा की, जिसे कमलनाथ का गढ़ भी कहा जाता है। दर्शकों को बता दें कि फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक इस बार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे भी 2019 की तरह ही रहेंगे, यानी कि इस बार भी बीजेपी की 28 सीटें आएंगी और एक सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। अभी एक सीट कौन सी होगी ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के लिए चिंता कहीं ना कहीं बढ़ाता हुआ फलौदी का सट्टा बाजार दिख रहा है। वहीं जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के चरण संपन्न हो रहे हैं वैसे वैसे स्थितियां साफ होने लगी। आपको बता दें कि पांचवें चरण के मतदान के बाद फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी की सीटों में कुछ बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। इससे पहले बीजेपी को 292 से 296 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब पांचवें चरण के मतदान के बाद 304 से 306 सीटें आने के आसार लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि केंद्र में बीजेपी को निश्चित रूप से बहुमत मिलता दिख रहा है फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी ऐसा इस सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक कहा जा रहा है। वहीं बिहार, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में गठबंधन की कमजोर स्थिति को देखते हुए एनडीए की सीटों में कमी आने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति में मामूली सुधार फिलहाल फलौदी का सट्टा बाजार बता रहा है। जहां कांग्रेस को पहले 52 से 57 सीटें आ रही थी, लेकिन अब पांचवें दौर के मतदान के बाद 60 से 62 सीटें आने की संभावना है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कोई उलटफेर होता फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि कांग्रेस के खाते में एक ही सीट जाती दिख रही है और बीजेपी के खाते में 28 सीटें जाती हुई फिलहाल दिख रही है। हालांकि 4 जून का इंतजार हम सभी को करना होगा जब मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। एमपी तक सुबह से ही अपने दर्शकों को सबसे सटीक और सबसे पहले नतीजे बताएगा। ये भी आपको बता दें कि ये पूरा अनुमान फलौदी सट्टा बाजार का है और एमपी तक सट्टा लगाने को प्रोत्साहित नहीं करता है। मध्य प्रदेश में तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।